हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं खुशबू आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ अपने इस न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर। और ये चावल की खीर तो पारंपरिक है, मोस्टली हर ओकेज़न पे बनती ही है। कुछ व्रत है, त्यौहार है, कुछ भी है तो हम बनाते ही हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। कुछ लोगों को ये नहीं आती है तो उन लोगों के लिए मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी चावल की खीर की रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिया है एक मोटे तले की कढ़ाई, उसके अंदर मैं 1 लीटर दूध, आप चाहो तो यहाँ पे भैंस का ले सकते हो या गाय का भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है भैंस वाला 1 लीटर दूध और उसको मैं गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ। इसको एक अच्छा सा उबाल आने तक हमने चलाते हुए पकाना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप जो चावल होते हैं धो के पहले रख लिए थे उनको मैं ऐड कर दे रही हूँ। चावलों को हमने तब ऐड करना है जब हमारे दूध के अंदर अच्छे से एक उबाल आ चुका है। ठंडे दूध के अंदर हम चावल नहीं ऐड करेंगे, वरना तो दूध में काफ़ी उबाल आने में टाइम लगेगा, प्लस चावल हमारे नीचे लग भी सकते हैं। तो जब उबाल आ गया उसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए थे और 3 से 4 मिनट पकाने के बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच बादाम बारीक काट के रखा था वो ऐड कर दिया है और इसको चलाते हुए हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे लाइक काजू या किशमिश वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर अच्छे से एक बार उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ कोकोनट। कोकोनट भी मैं यहाँ पे 2 चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या है कि इसका टेस्ट बढ़ जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाती है। इसको चलाते हुए पका लेंगे। जो खीर है उसके अंदर मेन प्रोसेस चलाने का ही रहता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम डलते हैं इसके अंदर, मेन इसको पकाना ही होता है। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच इलायची के दाने ऐड किए हैं, आप चाहो तो उनको बारीक पीस के भी यूज़ कर सकते हो। जो छोटी वाली इलायची आती है ग्रीन कलर की, उसका छिलका सिर्फ पील करके और उसके दाने निकाल के उनको मैं साबुत ही यूज़ करती हूँ, तो वो यूज़ किया है इसके अंदर। तीन से चार मिनट के बाद पका लेने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 छोटा वाला कप चीनी का। इस खीर को बनने में टोटल 30 से 35 मिनट या 35 से 40 मिनट का समय लग सकता है। अगर आप टूटे हुए चावल जो हैं वो यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा कम समय जाएगा, और अगर आप साबुत चावल यूज़ कर रहे हो भिगो के तो उसको बनने में थोड़ा सा ज़्यादा समय जाता है। खीर के लिए मोस्टली जो टूटे हुए चावल होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं और मैंने भी वही यूज़ किए हैं। यहाँ पर लगभग 35 मिनट तो खीर को पकाने में लगते ही हैं, जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है और चावल आपस में दूध के साथ काफ़ी अच्छे से हिल मिल जाते हैं। खीर को बनाते हुए मेन जो रहता है प्रोसेस चलाने का रहता है और गैस का फ्लेम लो रखना होता है, जिससे कि खीर गाढ़ी होती जाती है और दूध हमारा अच्छे से, जो मलाई आती जाती है दूध के ऊपर वो दूध के अंदर मिक्स होती जाती है और उसका टेस्ट काफ़ी इनहेंस होता जाता है। तो बस ये प्रोसेस रहेगा। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ केसर की तार, बस वो मैंने ऐड किए हैं जिससे इसका कलर काफ़ी एक थोड़ा सा क्रीमी सा कलर आ जाएगा। मिक्स कर दे रही हूँ काफ़ी अच्छे से। खीर हमारी बनके रेडी है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चावल को हाथ में लेके चम्मच के अंदर से और हाथ से ऐसे फोड़ के देखेंगे, अगर चावल हमारा काफ़ी अच्छे से दब रहा है फूट रहा है तो खीर मान लो रेडी है। जो खीर डेली में बनाते, मतलब मैक्सिमम बनाते रहते हो, तो उनको कंसिस्टेंसी देख के ही समझ में आ जाता है कि खीर पक गई है या चावल पक गए हैं। जैसे मुझे पता चल गया था कि चावल यहाँ पर बहुत अच्छे से पक चुके हैं। मैं इसको फिर भी एक बार दिखाने के लिए हाथ में लेके इस तरीके से चावल के अंदर थोड़ा चमचे के अंदर थोड़ा सा चावल लेके और आपको ऐसे फोड़ के दिखा रही हूँ। थोड़ा ठंडा कर लूँगी हाथ में और इस तरीके से ये खीर हमारे बन के हो गई है रेडी। दाना क्योंकि चावल का काफ़ी अच्छे से मैश हो रहा है मेरे हाथ में। अब मैं इस टाइम पे कर लूँगी गैस का फ्लेम ऑफ और खीर को ढक के कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि जो खीर है वो ठंडी ही खाने में अच्छी लगती है, तो हम इसको ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। लगभग 1-1.5 घंटे बाद हो गई थी खीर ठंडी और काफ़ी अच्छे से ये थिक भी हो गई है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसकी प्लेटिंग।
ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी खीर लग रही है ना, ये देखने में कितनी गाढ़ी गाढ़ी है। और ये जितनी और ठंडी हो जाएगी ना, अगर हम इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के और ठंडा करके खाएंगे तो बिल्कुल आइसक्रीम वाला टेस्ट ये देती है। मैं तो हमेशा जो फ्रिज में खीर को बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही खाती हूँ, और मेरी फैमिली में सभी इस तरीके से खाते हैं। मैं कर ले रही हूँ खीर को बादाम से, बिल्कुल बारीक कटे हुए बादाम से यहाँ पे गार्निश। और आप लोगों को ये रेसिपी अगर मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।